24 में आपका स्वागत। चलो नजर डालते हैं आज की एक अहम। ग्राम पंचायत उल्दन में कोविड-19 के बचाव के लिए किया गया स्पेशल बैठक का आयोजन। बंगरा झांसी ग्राम पंचायत उल्दन में ग्राम प्रधान नेहा धीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में कोविड-19 के बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम सचिव प्रीतम सिंह यादव ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया। बैठक में ग्राम पंचायत सदस्यों सहित कई प्रमुख गणमान्य उपस्थित रहे। बैठक में ग्राम निगरानी समिति का गठन किया गया, जो कि गांव की समस्याओं को लेकर सरकार की देखरेख में निपटाएगी। बैठक के बाद ग्राम सचिव एवं ग्राम प्रधान के द्वारा गाँव में सैनिटाइजेशन कराते हुए लोगों को मास्क वितरित किए गए एवं निजी वाहन पर माइक लगाकर गांव में जागरूकता हेतु लोगों को कोविड-19 के नियम समझाए गए। लोगों से कहा कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, तथा लोगों से अनुरोध किया गया कि बेवजह घर से ना निकलें। अंत में उल्दन के ग्रामवासियों ने शपथ ली कि कोरोना की लड़ाई में हम सभी जागरूकता के साथ कोरोना को हराएंगे। बंगरा से संवाददाता मानवेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। जन निगरानी समिति की मीटिंग हो रही है ग्राम पंचायत उल्दन में जी, हमारे नवनिर्वाचित प्रधान जी के नेतृत्व में जी। और हम लोग चाहते हैं कि प्रधान जी के नेतृत्व में, सारी निगरानी समिति के नेतृत्व में जी, यह गांव सुरक्षित रहे जी, इसको सारी सुविधाएं मिलें जी। लोगों को जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अभियान चलाया है जी, जिसके अंतर्गत पूरे गांव में, हर गांव में निगरानी समितियों को सक्रिय किया जा रहा है जी। और सक्रिय करके हर आदमी को जागरूक करके, हर आदमी को जिम्मेदारी सौंप के निगरानी समिति पूरे ईमानदारी के साथ काम करेगी जी। जहां भी लोगों को किसी प्रकार की समस्या हो जी, हम लोगों को अवगत कराएं, निगरानी समिति को अवगत कराएं जी। सारे लोग इसी में, पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ है जी, कि किसी भी प्रकार की बीमारी हमारी ग्राम पंचायत में ना आ पाए। हम लोग हर उसके नियमों का पालन करेंगे जी। इन्हीं नियमों को जनता को समझाना है जी। घर घर जाके उन लोगों को इस बात को बताना है कि साबुन से बार बार हाथ धोएं जी, हाथ धोने के बाद ही खाना खाएं जी, अनावश्यक घर से ना निकलें जी, जब बहुत जरूरी हो घर से तभी घर से निकलें। थैंक यू।